तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक फाइल मेनू बार के अंदर जो चीजें उनके बारे में जानते हैं, सबसे पहले जब होम पे क्लिक करेंगे तो होम में ये आपका ब्लैंक वर्कबुक आएगा। ब्लैंक वर्कबुक मतलब कि आप एक नई एक्सेल सीट क्रिएट कर रहे हैं, एक नई एक्सेल सीट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं कि इसके अलावा यूज जो टैम्पलेट्स होते हैं वो टैम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके अलावा जो रिसेंटली आपने फाइल ओपन किया है उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फाइल ओपन करते हैं और भूल जाते हैं कि आप सेव करते हैं, सेव करने के बाद भूल जाते हैं कि फाइल हमने सेव कहाँ की है। कई बार ऐसा हुआ होता होगा, या फिर कोई फाइल आपने ओपन किया आपको याद नहीं कि फाइल कहाँ पे सेव कर रखा है। तो आप रिसेंट में जाके देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ पे पूरा दिख रहा है आपको, रिसेंटली जो हमने ओपन किया वो रिसेंट में आपको दिख जाएगा। अब रिसेंट लिस्ट जो है ना, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहता है, ये लिस्ट चेंज होते रहता है। चेंज मतलब कि मान लीजिए मैं एक और फाइल ओपन करूंगा तो ये लिस्ट नीचे की तरफ घसकेगा और जो D13 डेटा फील है वो यहां से गायब है। तो कई बार क्या होता है कि कई सारे फाइल को हम बराबर यूज करते हैं, तो आप यहाँ पिन दिख रहा है, इस पर अगर मैं पिन कर दूं तो ये फाइल अब यहां से नहीं हटेगी। ठीक है, पिन करते ही क्या होगा, जी ये पिन हो जाएगा। तो ये पिन जो है यहां पे आता है, पिन लिस्ट, ये देखिए आपको पिन लिस्ट दिख रहा है। तो ये लिस्ट जो है फिक्स होता है, ये यहां से नहीं हटेगा। उसके बाद हम न्यू में आते हैं, न्यू में हम ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे टैम्पलेट हैं। टैम्पलेट मतलब कि बने बनाए फॉर्मेट, बने बनाए फॉर्मेट। वैसे ये काफी यूज होता है, जैसे आपके बॉस ने बोला कि भाई मुझे एक इनवाइस निकाल के, इनवाइस बना दो, या वर्क ऑर्डर बना दो, या बैलेंस शीट बना दो, या एक कैलेंडर बना दो, या एक एक बजट के बना दो, कुछ ऐसा उन्होंने बोला जो आपको नहीं पता कि उसमें क्या क्या फील्ड होते हैं, क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, जी तो उस केस में क्या है कि हम यह सर्च कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम बिल सर्च कर लिए, यहां पे बिल टाइप किया और एंटर प्रेस कर, तो बिल से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट यहाँ है माइक्रोसॉफ्ट आपको बना बना फॉर्मेट दे रहा है। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि इससे हो जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए इसको देख लिया मैंने, क्लिक किया, क्रिएट कीजिए, क्रिएट करते ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें अपना कंपनी का नाम, अपना कंपनी का स्लोगन, एड्रेस वेड्रेस डेट वगैरह चेंज कर दीजिए। ये देखिए आपका इनवाइस फॉर्म तैयार है क्या सर? जी जी सर जी सर ये आपका तैयार है। तो इस तरह की जो है चीजें आप अपने ऑफिस में बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप न्यू फाइल में जाके न्यू करेंगे तो यहाँ जब डाउनलोड करेंगे तो इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो डाउनलोड नहीं होगा। जैसे देखिए मुझे यहाँ पे सीजनल फोटो कैलेंडर चाहिए, क्रिएट किया, यहाँ देखिए 2023 का सीजनल कैलेंडर आ गया कि जनवरी विंटर है। ठीक है, जी यहाँ पे फरवरी में देखिए विंटर है, मार्च स्प्रिंग आ जाता है, अप्रैल भी स्प्रिंग है, मई भी स्प्रिंग है, जून समर समर समर, सितंबर फॉल 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 एंड दिसंबर विंटर। ठीक है, तो जी बने बनाए यहाँ पे देखिए अपना जो भी नोट्स लिखना है यहाँ पे नोट्स दे सकते हैं, यहाँ नोट दे सकते हैं। ते बने बनाए फॉर्मेट है, क्या है, बने बनाए फॉर्मेट। ठीक है, इसका यूज आप कर सकते हैं। ये चीजें हमने न्यू के अंदर, उसके बाद हम बात करते हैं ओपन। अब यहाँ देखिए, अब होम में जो रिसेंटली वर्कबुक देखे थे वो तो है ही,
ओपन में जाते हैं ना तो उसमें ज्यादा मिलेगा, यहाँ देखिए। और वो भी सबसे पहले पिन का लिस्ट आएगा, देन टुडे आज क्या क्या फाइल हमने ओपन की है, फिर आगे स्टर्डे कल क्या ओपन की है, इस तरह से आपका एक कैटेगरी बन जाएगा। इसमें लिस्ट कुछ ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें लिस्ट कुछ ज्यादा होता है। इसके अलावा इसमें फोल्डर लिस्ट भी है। अगर आप जो फाइल खोज रहे हो ना वो नहीं मिल रहा है, ये आपको पता है कि फलाने जगह पे है, तो ब्राउज पे क्लिक कर लें और फिर उस लोकेशन में जाके अपना फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर। तो बात आती है इन्फो, किसी फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगी, ठीक है ना। इन्फो का एक चीज और करते हैं, जैसे ये देखिए डेटा दिख रहा है, डेटा फाइल यहाँ पे। अब क्या होता है, कुछ कॉमन नेम होते हैं जैसे डेटा, बुक वन, समरी, रिपोर्ट, ऐसे कॉमन नेम होता है। अब उसके अंदर क्या चीज डला हुआ है आपको पता है तो जो ठीक है, कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता है। मान लीजिए 6 महीने फाइल पहले हमने फाइल ओपन किया था और जो बनाया था, और मुश्किल है ना कि मुझे भी याद होगा आपको, मे भी याद भी हो सकता है, मे भी याद नहीं भी हो सकता है। तो यहां मुझे ये पता करना है कि इस फाइल के अंदर डेटा क्या है। साहब बोले जाहिर सी बात है इसको ओपन कर लीजिए पता चल जाएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि बिना ओपन किए भी पता किया जा सकता है, उससे टाइम बचेगा हमारा। जैसे इस पे हम कर्सर लेके जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऑथर सुजीत कुमार, टाइटल डैशबोर्ड, सब्जेक्ट पिवट टेबल सैंपल डेटा, ठीक है। जी तो कैसे हुआ, तो इसको हमने यहां सो मोर ऑप्शन पे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर हम जाते हैं डिटेल्स, डिटेल्स में हम यहाँ इसकी एंट्री कर रखे हैं, हम आप भी यहाँ एंट्री कर सकते हैं, टैग वगैरह डाल सकते हैं सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और इन्फो के अंदर भी जाके यहाँ भी कर सकते हैं। इन्फो के बाद आता है सेव, सेव या सेव एज कर सकते हैं फाइल को, लेकिन सेव करते समय ध्यान रखिएगा जिस फाइल को आप सेव कर रहे हैं उसमें कोई कोडिंग वोडिंग तो नहीं है, जैसे रिकॉर्ड माइक्रो कर रखा हो या कोडिंग कर रखा हो, तो ऐसे फाइल को हम डायरेक्टली ओपन, डायरेक्टली जो है सेव नहीं करेंगे एक्सेल वर्कबुक में, क्योंकि तो एक्सेल वर्कबुक में आपने फाइल को सेव कर दिया तो फाइल के अंदर की जो कोडिंग है वो डिलीट हो जाएगी। फाइल के अंदर की जो कोडिंग है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसलिए आप उसको माइक्रो एनेबल वर्कबुक में ही सेव करें। यहां ऊपर कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है, जब भी मैं उस फाइल को खोलता हूं काफी ज्यादा टाइम लेता है उस फाइल को खोलने में, जब भी वो फाइल खोलता हूं तो घंटा 2 घंटा, ये 2-4-5 मिनट का टाइम लेता है, कैलकुलेटिंग परसेंटेज दिखाता है। तो यहाँ एक्सेल वर्कबुक के अंदर यहाँ दिखेगा आपको एक्सेल बाइनरी वर्कबुक, क्या दिखेगा, एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। तो काफी लार्ज डेटा अगर होता है तो उस लार्ज डेटा को एक्सेल बाइनरी वर्कबुक में आप सेव कर सकते हैं। एक्सेल बाइनरी वर्कबुक में जब आप इसको सेव करेंगे तो क्या होगा, साइज जो है 30-35% आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रिंट, तो आप अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। एक मिनट, इसको प्रिंट करना है तो यहां से हम जाएंगे, यहां से आएंगे प्रिंट पे, हम इसको देखिए यहां से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के लिए यहाँ पे प्रिंट की कॉपीज, कितनी कॉपीज निकालना है आपका प्रिंटर, उसके बाद आपको एक्टिव शीट करना है, कंप्लीट वर्कबुक करना है, किस पेज से किस पेज को करना है,
कुलेट करना है, जब जब नंबर ऑफ कॉपी जब ज्यादा डालते हैं तो इसका यूज होता है। कुलेट मतलब कि सेट निकाले या अनकुलेटेड निकाले। फिर आता है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, इसमें आप अपना ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने पेपर की साइज और पेपर की मार्जिन, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं सिंपल। उसके बाद आता है शेयर, मुझे इसको मेल भेजना है। तो आप लोग क्या करते हैं कि किसी फाइल को मेल भेजने के लिए फाइल को सेव करते फिर अटैच करते हैं, लेकिन जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये आउटलुक के साथ कर जाएगा, लेकिन फिलहाल यहां मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं है। उसके बाद पब्लिश, अगर आपका एक्सेल पावर बीआई से लिंक्ड है तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, फाइल को क्लोज क्लोज हो जाता है। उसके बाद अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है जो कि यहाँ पे 4 मई को जो है मेरा एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, यहां से मैं एक्सेल को अपडेट वगैरह कर सकता हूँ, यहां से बाकी सब चीज कर सकता हूँ। फीडबैक, अगर आपको लगता है कि कुछ नए चीज आपको आइडिया आया है तो माइक्रोसॉफ्ट को दे सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन मतलब एक्सेल की सेटिंग को चेंज करना। अब क्वेश्चन में आता है कि हम पहले ही दिन या दूसरे ही दिन हम सेटिंग क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए मेरा मानना यह है कि आप जब किसी डिवाइस को लेते हैं, जैसे आप सेलफोन ही ले लीजिए, आप सेलफोन के लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते, ताकि उसका रिंग टोन, उसका वॉलपेपर आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। तो उसी तरह से यहां भी हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आपका एरियल है, आप फॉन्ट को कोई और कर सकते हो। यहां पे फॉन्ट की साइज, व्यू, एक बार जब सीट इंसर्ट करते कितना होना चाहिए वो आ जाता है। फिर आता है यूजर नेम, कई बार क्या होता है कि मुझे पता करना है कोई फाइल किसने बनाया, मैंने आपने किसी को फाइल भेजा आपको, लेकिन आपको देखना है कि आखिर बनाया किसने है। जस्ट उस पर कर्सर रखेंगे तो उसका ऑथर नेम पता चलता है। यहां देखिए ऑथर नेम सुजीत कुमार दिख रहा है, तो ऐसे ऑथर नेम पता करने के लिए हम करते हैं। लेकिन क्या होता है जो हमारा ऑथर नेम होता है वो मेरे यूजर आईडी जो होता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए IPTN है तो ये ले लेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ अपना ऑथर नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस का थीम, अभी मेरा ऑफिस मतलब कि जो थीम है कलरफुल है, अब मैं यहां से इसको कर देता हूँ ब्लैक एंड करता हूँ ओके। अब देखिए पूरा एक्सेल हमारा थीम ब्लैक हो गया। फिर यहां पे आते हैं ब्लैक के बाद मैं यहाँ पे व्हाइट कर दूं या सिस्टम सेटिंग यूज करूं या कलरफुल यूज करूं, आप यूज कर सकते हो, उसी हिसाब से आपका ये एक्सेल का फीचर हो जाएगा। या कलरफुल करोगे तो कलरफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑप्शंस के अंदर में फॉर्मूला, फॉर्मूला में खास चेंज नहीं, लेकिन हाँ ये जो R1C1 दिख रहा है ना, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो जो ABCD जो कॉलम दिखता है वो भी 1 2 3 4 5 में हो जाएगा। हालांकि करते नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है। डेटा में कुछ खास चेंज करने लाइक है नहीं। प्रूफिंग, प्रूफिंग में आप ऑटो करेक्ट बना सकते हो, जैसे मैं एक्सेल में लिखता हूँ MS स्पेस देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ जाएगा, आ जाता है। मैं यहां पे लिखता हूँ DS तो डेली सेल्स रिपोर्ट, लिखता हूं मैं MS माइक्रोसॉफ्ट आ गया, और इस तरह से कुछ शॉर्टकट से DL लिखा, नहीं DL मैं चाहता हूँ DL नहीं ND हो गया, यहाँ पर ND तो न्यू दिल्ली लिखा हुआ आ गया। तो ये कैसे हुआ, हमने इसके लिए ऑप्शंस बना रखा है कहाँ पे, प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट, यहाँ करेक्ट, इतने सारे हमने बना रखे हैं। कुछ तो बने बनाए होते हैं, कुछ हम बना सकते। तो आप यहां अगर चाहते हैं कि अपना खुद का बनाना, जैसे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं ADV और हो जाए एडवांस एक्सल
रनिंग। अब ऐड कर दीजिए, यहां से ऐड कर दीजिए, देन ओके देन ओके। अब मैं यहां पे करता हूं ए डी वी स्पेस देता हूं। तो इस तरह की शॉर्टकट्स आप एक्सेल में अपने लिए बना सकते हैं। कुछ ऐसा नाम जो उसका स्पेलिंग हमेशा भूल जाते हो, कुछ ऐसे साइंटिफिक नाम यहां आप दे सकते हैं। ओके जी सर। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद ऐसे यहाँ पे सेव पे, सेव पे अपना डिफॉल्ट फाइल टाइप के क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट फाइल का लोकेशन, ऑटो रिकवरी सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज और एक्सेसिबिलिटी भी खास नहीं, हाँ एडवांस में कुछ चीजें हैं, जैसे मैं कर्सर मारता हूँ तो डाउन जाता है, डाउन की जगह लेफ्ट राइट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन यहाँ जो ड्रैग पकड़ के नीचे ड्रैग करता हो ना करे, यहाँ से हटा दीजिए, ड्रैग नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे भी और चीजें हैं, जैसे कि यहाँ फॉर्मूला बार जो है, फॉर्मूला बार ना दिखे, ऊपर जो फॉर्मूला बार दिख रहा है इसको हाइड कर सकते हो, ला सकते हो या हाइड कर सकते हो। जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये जो स्क्रॉल बार दिखता है जिसे ऊपर नीचे आप करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये यहाँ से हटा सकते हैं। जो आपका सीट का टैब है यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से सीट टैब ला सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके बाद जो कॉलम का हीडर है ये यहाँ से हटा सकते हैं, सीट को राइट कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं, जीरो आप गायब कर सकते हैं, जीरो ना शो, ऐसी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है कस्टम लिस्ट। क्या है कि एक्सेल के अंदर में आप यहां लिखते हैं जैन, जैन लिखे और नीचे की तरफ ड्रैग किए तो जैन फैब आपको आ जाएगा। ऐसे में संडे लिखेंगे तो संडे मंडे आएगा। लेकिन क्या किसी का नाम लिखा, इसमें लिखा पूजा, तो नीचे क्या आएगा, आपके सिस्टम में जस्ट पूजा 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 आएगा, लेकिन मेरे सिस्टम में एक लिस्ट आएगा। ऐसे मैं बैंक देता हूं SBI, आपके सिस्टम में ड्रैग करने पे सिर्फ SBI आएगा, लेकिन मेरे सिस्टम में एक लिस्ट आएगा। ये कैसे आया, ये आया एक्सेल ऑप्शंस के अंदर एडवांस में। हम नीचे जाते हैं, नीचे यहां दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे क्लिक करते हैं और ये देखिए लिस्ट बना हुआ है, देखिए दिख रहा है। तो मैं ऐसे न्यू लिस्ट पे जाके ऐसे एक ही लिस्ट टाइप कर दूं, या कहीं पे टाइप है तो यहां जाके सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर दूं और लिस्ट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिस्ट जो बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा हो या नाम लिखना पड़ रहा हो, ड्रैग करना पड़ रहा हो, ऐसे लिस्ट को यहां आप यूज कर सकते। ठीक है सर, क्या होता है कस्टमाइज रिबन, जैसे कोई मेनू बार आप नहीं शो करना चाहते, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ को सेव नहीं कर रखा है, अब शो नहीं है, क्लिक नहीं तो शो नहीं है। ऐसे कोई भी मेनू बार को आप यहां से हटा सकते हैं, ला सकते हैं। इसके अलावा यहां आप क्लिक करते हैं कमांड नॉट इन रिबन, इतने सारे कमांड जो है आपके ऊपर मेनू बार में नहीं है, जिसको मर्जी सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऐड कीजिए, जिस मेनू बार के अंदर ऐड करेंगे न्यू ग्रुप बना के उसमें ऐड हो जाएगा। और क्विक एक्सेल टूल बार जो ऊपर यहाँ दिखता है ना उसके लिए, हालांकि इसका यूज होता नहीं है, बाकी ऐड इन से का यूज होता है। जैसे आपके किसी मित्र को प्रोग्राम, आपके कोई मित्र आपका प्रोग्रामर, आपने बोला कि मेरे लिए एक प्रोग्राम बना के दे, ठीक है, तो प्रोग्राम बनाकर आपको दे दिया, लेकिन वो प्रोग्राम को एक्सेल में ऐड कैसे करेंगे? तो ऐड करने का रीजन सिंपल सा वही है कि यहां पे गो पे जाएं और यहां से ब्राउज करके ऐड करना, ठीक है, जैसे मैंने सॉल्वर है बाकी चीज ऐड रखी है इस तरह से। ठीक है सर, तो फाइल मेनू बार में अब कुछ खास नहीं है, फिर भी आप एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और साथ में मैं आपको फाइल मेनू बार का एक PDF फाइल आपको WhatsApp कर देता हूँ। ठीक है, जी सर, इसको एक बार स्टडी कर लीजिए।